चतरा के सिमरिया में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दैनिक अखबार के पत्रकार समेत चार की मौत का मामला अब तुल पकड़ चुका है। घटना के विरोध में स्थानीय पत्रकारों ने मृतक के आश्रितों को आर्थिक मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर सिमरिया रांची और सिमरिया हजारीबाग मुख्य पथ NH 100 को शव के साथ जाम कर दिया। पत्रकारों के इस जाम को विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी साथ मिलने लगा है। व्यवसायियों ने भी अपनी अपनी दुकानें समर्थन में बंद रखी हैं। सड़क जाम होने से NH पर कोल ट्रांसपोर्टिंग और वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे CCL की आम्रपाली मगध और अन्य कोल परियोजनाओं से कोयले की ढुलाई प्रभावित हुई है। आक्रोशित लोग मुआवजे के साथ साथ कोल ट्रांसपोर्टिंग के लिए कमर्शियल सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। सिमरिया के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। आज हम लोग सिमरिया वासी पूरे दुखी हैं, क्योंकि ये सिमरिया के सबसे वरिष्ठ पत्रकार थे और उसके साथ साथ हम सबों के गार्जियन थे। कभी भी किसी चीज़ के लिए हम लोग इनको बुलाया करते थे और इनसे हर बड़ी समस्या पे ये समाधान बताते थे। तो ये सिमरिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। हम लोगों ने एक बहुत अपना सिमरिया प्रखंड से एक अपना गार्जियन खो दिया है। ये सड़क जाम इसलिए किए हैं कि हमारे पत्रकार साथी शशिभूषण सिंह, जो दैनिक अखबार से काम करते थे, अखबार लिखते थे, कल बीते शाम 7:30 बजे कार्य करके यहाँ से संवाद संकलन करके जा रहे थे घर, और इसी दौरान कोयला वाहन अपने चपेट में ले लिया और जिनको चपेट में आने से ऑन स्पॉट उनकी मौत हो गई। और उसी के लेकर के हम लोग जो है मुआवजा के लेकर के हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, और जब तक हम लोगों का मुआवजा का मांग पूरा नहीं होगा, यह धरना न हटेगा और न शव यहाँ से हटेगा। देखिए, हम लोग के यहाँ एक बड़ी दुखद घटना घटी। आप ही के पत्रकार साथी, हम लोग के साथी और मेरे तो अभिभावक तुल्य थे, शशिभूषण सिंह जी, जिनका जो है सो कोल वाहन के चपेट में आ जाने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई घटनास्थल पर ही। देखिए, हमारे यहाँ माइंस खुला, तो माइंस खुलने के बाद ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो निश्चित रोड था उसमें हजारीबाग भी था और हजारीबाग बड़का गांव रोड होके और हमारे यहाँ से, तो इसी तरह से एक्सीडेंट होने के कारण उपायुक्त हजारीबाग उधर से ट्रांसपोर्टिंग रोड को बंद कर दिए। 12,000 से 15,000 पर डे कोयला इसी रोड से निकल रही है, लोकल सेल से, और लोकल सेल निकलने के चलते कोल वाहन की संख्या अभी आप खुद ही देख रहे होंगे कि कितनी लंबी जाम है, और आए दिन बराबर किसी न किसी का दुर्घटना हो ही जा रहा है।